ग्वालियर मोती झील स्थित आज सुबह से ही फल मंडी में नजारा ही कुछ अलग था। भीड़ इकट्ठा हो रही थी और आम लोग मास्क भी नहीं लगाए हुए थे। कुछ अलग ही था लॉकडाउन। मंडी को सुबह 6 से 10 तक के लिए छूट दी गई थी। इसके तहत मंडी में रिटेलर व्यापारी का जमाबाड़ा झुंड बनाकर फलों की खरीद कर रहे थे। इसकी जानकारी पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। तभी ग्वालियर CSP नागेंद्र सिंह सिकरवार ने मंडी का नजारा देखकर व्यापारियों को हिदायत दी कि थोक फल विक्रेता ही मंडी आए। फल खरीदने वाले ग्राहकों को और उन्होंने दुकानदारों को यह भी समझाया कि रिटेल में फल किसी को ना दें, थोक व्यापारी को ही फल दें। और उन्होंने यह भी व्यापारियों को हिदायत दी कि मंडी के अंदर मास्क लगाकर ही प्रवेश करें एवं डिस्टेंस बनाकर ही फल दें। अगर ऐसा नहीं किया गया तो संबंधित फल विक्रेता के खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। आप मैडम ये बताइए, आज फल मंडी में आप कितने बजे से निरीक्षण कर रही हैं? कैसे लोग, कितने लोग मिले आपको? 6 बजे आ गए थे हम लोग। उस समय यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ थी। हमने ट्राई किया, लोगों को समझाने की कोशिश की, लोग मास्क नहीं लगाए थे, दूरी मेंटेन नहीं कर रहे थे। काफ़ी ज़्यादा ऐसा लगा, बहुत बड़ा रिस्क जोन बन गया ये। लेकिन देख रहे हो आपको क्या मिला, मास्क लोग लगा के आए थे, कैसे? बहुत कम लोग लगाए थे, मास्क कम लगाए थे, लोग साफी भी लगाए थे तो बांधे हुए नहीं थे चेहरे पर। हम लोगों ने लोगों को समझाया, जो खासकर वेंडर्स हैं उनको हमने पूरी तरह से समझाया कि आप बिना मास्क के किसी को कुछ बेचिए नहीं, क्योंकि हमने उनको ये बोला कि अगर आप थोड़ा बहुत पैसा कमाएंगे और लेकिन पैसे के जरिए आप अगर वायरस ले गए तो वो आपके लिए जानलेवा साबित होगा। आगे के लिए किस तरीके की आपकी व्यवस्था है? कोशिश तो हमने लोगों को समझाने की बहुत की है कि आप पैसों का लेन देन करते हैं, हज़ारों हाथों से गुजर के आता है पैसा, तो वो पैसा बहुत रिस्की हो सकता है, तो आप लोग सैनिटाइज़र यूज़ कीजिए, हाथ साबुन रखिए, अपने जो कर्मचारी हैं उनको मास्क और हैंड ग्लव्स वगैरह दीजिए। ये सारी चीज़ें हमने उनको समझाई। इनको कितना समय तक रखा है, जैसे समय कितना रखा है इसका फ्रूट मंडी का? कितना समय है आपका फ्रूट मंडी, कितने बजे से कितने बजे तक खुलेगी? नहीं, फ्रूट मंडी का जो टाइम तो हमको, हम तो सुबह बताया था कि सुबह 7 बजे तक खुलती है। हम लोग उसमें 6 बजे आए थे देखने के लिए कि क्या स्थिति है, और जब ये लगा कि यहाँ भीड़ ज़्यादा है और ये रिस्क हो सकती है तो मैंने SP साहब को फ़ोन किया। उसके बाद उन्होंने फोर्स भेजा तो काफ़ी यहाँ पे चढ़ाई हो गई। लेकिन मेन चीज़ है ना, लोगों को ये समझना ज़रूरी है कि वो फल खरीदना ज़रूरी है और फलों का सेवन भी ज़रूरी है, क्योंकि विटामिन सी की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है इस समय। लेकिन अगर लोग इस तरह से नहीं करेंगे तो जो किसान जिसका फल है वो भी नुकसान में है, जो वेंडर्स हैं और जो कर्मचारी हैं उनके, उन सबको नुकसान है। तो लोग अगर अनुशासन बना के रखेंगे तो फ्रूट मंडी खुली रहेगी, ये सबके हित में। लेकिन अगर अनुशासन नहीं रखा और फिर बंद करना पड़ा तो ये उपभोक्ता के लिए भी नुकसानदायक है, और जो बेच रहा है उसके लिए भी, और जो बीच के कर्मचारी, छोटे कर्मचारी, उनके लिए भी नुकसान है। तो ये सिर्फ वायरस के जो डर है उसके अलावा जो एक आर्थिक हो रही है उसका भी नुकसान हो रहा है, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि हम डिसिप्लिन में नहीं रहना चाहते। तो ये सभी के लिए ज़रूरी है। आप चूँकि मीडिया से हैं, आप लोगों की जिम्मेदारी है लोगों को ये बताएं कि इस तरह से सिर्फ वो एक चीज़ का रिस्क नहीं ले रहे हैं बल्कि अपनी आर्थिक स्थिति इतनी नीचे गिरा लेंगे कि उसका बहुत ज़्यादा बड़ा नुकसान होगा। ये चालू हुई थी सर, इसका समय क्या है निर्धारित? क्या कौन कौन लोग यहाँ पे आने हैं, कौन कौन लोगों को अपन यहाँ प्रवेश दे सकते हैं? फुटकर वाले भी आ रहे हैं यहाँ पे और लोग भी आ रहे हैं, डिस्टेंशन यहाँ पे है नहीं, मास्क लगाए हुए नहीं है। सर इस बारे में आप क्या कहेंगे? फ्रूट मंडी का, इस मंडी की ये थोक विक्रेता के लिए फेमस है और अधिकतर काम यहाँ पे थोक का ही होता है। अब आज सूचना मिली कि अधिकतर लोग खैरिज वाले थे और भीड़ अधिक हो गई थी, क्योंकि अगर यहाँ पे केवल थोक विक्रेता आते हैं तो मंडी में को संचालित करने में कोई समस्या नहीं आएगी। हम ये मेंटेन करने का प्रयास कर रहे हैं कि यहाँ पे थोक का ही काम रहे। सर आगे से क्या व्यवस्था है आपकी? सर आगे से हम यहाँ पे अपना लगातार पुलिस पेट्रोलिंग रखेंगे और हम ऑब्जर्वेशन के साथ साथ इनको भी बताएंगे कि ये लोग मास्क का उपयोग करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके रखें, जिससे शहरवासियों को फल समय समय पर मिल सके। सुबह का समय कितने बजे से कितने बजे? सुबह 10 बजे। लेकिन ये मंडी तो सर 4 बजे से चालू हो रही है। रात में इनका अधिकतर माल आता है और रात से सुबह 10 बजे तक। नाइट में भी मंडी चलती है देखा गया है? इसके बारे में मैं कंफर्म नहीं हूँ, मैं पूछ के बताऊँ।